ग्वालियर शहर में बिगड़ते ट्रैफिक को सुधारने पुलिस सब एक्शन मूड में है। ऐसी कड़ी में शहर के सेंटर पॉइंट एरिया के रूप में पहचान रखने वाले शिंदे की छावनी से गुरुद्वारा और नौ गजा रोड पर लगातार हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एक्शन में नजर आई है। तो इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने यातायात में बाधा बन रहे वाहनों को जब्त किया और चालानी कार्रवाई की है। दरअसल शिंदे की छावनी से गुरुद्वारा और नौ गजा रोड तक पहुँचने वाले मार्ग पर गाड़ियाँ जो है मैकेनिकों की अच्छी खासी तादाद है और यहाँ मोटर पार्ट्स की दुकानों का पूरा बाजार है। ऐसे में दुकान के बाहर सड़क पर गाड़ियाँ सुधारने से ट्रैफिक बाधित होता है और ज़्यादातर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें दुकानदारों और मैकेनिकों को कई बार समझाइश दी, लेकिन अब एक्शन मोड में आकर ट्रैफिक पुलिस ने निगम के वाहन को बुलाकर करीब तीन दर्जन वाहनों को जब्त किया है और बड़ी संख्या में चालान काटे हैं, जिससे हजारों में चालान भी वसूला गया है। स्थानीय रहवासियों की शिकायत पर हुए इस एक्शन के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब इस रूट पर यातायात सुगम हो सकेगा। रॉन्ग साइड वाहनों का लगातार आना हो रहा है, उनको रोकने के लिए और शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रॉन्ग साइड वाहन और जो रोड पर मैकेनिक जो लाइन है उसमें जो रोड पर गाड़ी खड़े रखकर वाहन रिपेयर करते हैं उनके खिलाफ़ आज कार्रवाई करी गई है। जितनी भी गाड़ियां रोड पर ऑन रोड पाई गई उनको नगर निगम की क्रेन के द्वारा उठाया गया है। नो पार्किंग की कार्रवाई और रॉन्ग साइड की कार्रवाई आज यातायात पुलिस ग्वालियर की गई है।